जैसा कि मैंने सुबह आपको खबर दिखाया था कि पूर्णिया सीट को लेकर के इंडिया अलायंस में पेच फंसा हुआ है, लेकिन आज और अभी से लगभग एक घंटा पहले जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया लोकसभा का चुनाव वह खुद लड़ेंगी। उन्हें लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा सिंबल दिया जा चुका है। चलिए पहले हम उस वीडियो को आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर ये फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। सभी मजबूती के साथ कार्यकर्ता पूरा उत्साही है, उसी से जो है झूम रहा है पूर्णिया का जनता कार्यकर्ता और कैंडिडेट तो नहीं पूरे जिला का सभी हमारे कार्यकर्ता कैंडिडेट है, एक एक जनता कैंडिडेट है। पप्पू यादव अलग दावा कर रहा है कि टिकट विजय होंगे, तैयारी कर रहे हैं मैडम। बिल्कुल हमारे कार्यालय है और जो महागठबंधन का निर्णय हो गया उसका पालन करें। कभी सांसद के साथ प्रतिक्रिया आपने उस वीडियो को देखा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव के लिए यह खतरे की घंटी है। जैसा कि उन्होंने यह ट्वीट किया था और कहा था कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, तो अब उनके लिए क्या स्थिति बची? क्या जहां से उनकी पत्नी रंजीता रंजन चुनाव लड़ती आई थी, क्या वह सुपौल शिफ्ट होंगे या सुपौल अपने बेटे के लिए वह छोड़ेंगे? जैसा कि दोनों पिता और पुत्र दोनों ही 20 मार्च को वह कांग्रेस में शामिल यानी कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया था, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि अब उनका पूर्णिया जो लगभग एक साल से लगातार प्रणाम पूर्णिया का वह लोगों से मिल रहे थे इस प्रणाम पूर्णिया के बैनर तले, तो इसको देखकर तो यही अंदेह लगाया जा रहा था कि अब पूर्णिया का वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि पहले से ही सासाराम और पूर्णिया को लेकर के आरजेडी अपना दावा उस सीट पर पेश किए हुए है। अब जब कल दिल्ली से यह बातें राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरीय नेता के बीच हुई, उसके बाद से अब यह और बातें एकदम क्लियर हो गई कि अब बात हो गई है। उसके बाद ही बीमा भारती ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इशारा कर दिया कि हम 3 तारीख को पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन करेंगे। तो पप्पू यादव के लिए क्या कुछ बचता है? या तो सुपौल, नहीं तो जहां से वह पहले मधेपुरा से सांसद चुनते आए हैं वहां पर लड़ेंगे। तो फिर से एक बार ऐसे भी कहा जाता है कि मधेपुरा में यादव बनाम यादव की लड़ाई ही होती आ रही है, जिस तरह से रोम पोप का वैसे ही मधेपुरा गोप का, ये कहावत फिट बैठता है। तो वहाँ से हमेशा यादव ही जीतते आए हैं। तो पप्पू यादव के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो सुपौल लड़ सकते हैं या मधेपुरा। जैसा कि पहले भी लालू प्रसाद यादव जी ने, खुद पप्पू यादव जी ने कहा था कि लालू जी ने हमें ऑफर किया था और अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करने के लिए कहा भी था और मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया है। तो क्या लालू प्रसाद यादव जी की वह बात फिर से मानेंगे और मधेपुरा से या सुपौल से? क्योंकि सुपौल भी आरजेडी छोड़ने नहीं जा रही है, तो इवन सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव के पास मधेपुरा सीट ही बचती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्या लगता है आपको, बीमा भारती चुनाव जो जदयू छोड़कर आरजेडी में आई है तो क्या उनका प्रभाव रहेगा? अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।